नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर लेकर आया हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में प्रभारी मंत्रियों की शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियां कर दी है, उसके बाद माना जा रहा है कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनके लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन प्रदेश के 52 जिलों में 11,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में शामिल किया जा सकता है, उनको पद दिया जा सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। वही जो जानकारी हमारे पास है, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन इन समितियों में जो जगह मिलने वाली, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 2 अशासकीय सदस्यों को लिया जा सकता है। वही अंत्योदय समिति में 21 अशासकीय सदस्यों को रखा जा सकता है। साथ में नगरी स्तरीय समिति नगर निगम में 21 और नगर परिषद में 7 और विकास खंड स्तरीय समिति में 21 और ग्राम पंचायत समिति में 7 लोगों को शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी और किस तरीके से जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो सिंधिया समर्थक हैं, उनको भी इस समिति में जोड़ा जा सकता है, उनको शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता अपना रही है, जिस तरीके से जहाँ पहले सिंधिया समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी मुख्य पदों पर बिठाया गया, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सिंधिया समर्थक शामिल हुए, उनको भी कहीं ना कहीं छोटी और सरकारी समितियां जो है, शासकीय समितियां, उनमें जगह दी जाए ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। जिस तरह से मनमुटाव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो सालों से काम कर रहे कार्यकर्ता उनमें मनमुटाव इस बात का है कि जो हाल ही में सिंधिया समर्थकों के साथ जो कार्यकर्ता शामिल हुए, उनके चक्कर में जो कार्यकर्ता है उनको जगह नहीं मिल रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरीके से तकरीबन जो सरकारी समितियां हैं, जो शासकीय समितियां हैं, उनमें जगह दी जाए और माना जा रहा है कि 11,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कही है कि जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं कि इसमें अगर शासकीय समितियों में जिन कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, उसमें प्रभारी मंत्री की राय लेना जरूरी होगी, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के जो नेता हैं, जो उनसे राय लेना जरूरी होगी, इसके बाद समितियों में जगह दी जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबर है जो मैंने आपको बताई है कि मध्य प्रदेश में छोटे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।